हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी सेट एग्जाम को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अब एक नई न्यूज़ सामने आ रही है कि हरियाणा एसएससी का जो सेट का एग्जाम होगा आपका अगस्त में होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं कितने दिल के सच्चे हैं, कितने नेक इंसान हैं। पहले ये कह रहे थे कि जून में 100% हम एग्ज़ाम ले लेंगे, फिर जुलाई की बातें सामने आई, फिर अगस्त की बातें सामने आई। तो पहले हम बात करेंगे हरियाणा एसएससी को लेकर, फिर हम बात करेंगे एनटीए के लेकर। अब देखिए, अगर इनकी नियत होती एग्ज़ाम करवाने की तो ये ले लेते। मैंने पहले भी वीडियोस डाली हैं और हर बार डालता आया हूँ, जब तक आप नहीं जागेंगे तो ये एग्ज़ाम नहीं लेने वाले हैं। और ये एग्ज़ाम कहाँ तक लेके जाने वाले हैं? इलेक्शन तक। आप सभी को पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि पूरे साल ये एग्ज़ाम आपकी डेट में ही निकाल देंगे। जून में लेंगे, जुलाई में लेंगे, अगस्त में लेंगे, फिर आपके क्या होंगे, फॉर्म रीओपन हो जाएंगे, फिर ये केवल और केवल पेपर एक ले लेंगे, पूरा साल ऐसे ही निकल जाएगा। और फिर अगले साल केवल ग्रुप डी की भर्ती कर देंगे, और जब इलेक्शन नजदीक आएंगे आपके तब इनको दूसरा पेपर याद आएगा, ताकि इनको इलेक्शन के टाइम पे कुछ ना कुछ मुद्दा मिल जाए कि हमने हरियाणा में भर्तियां दी हैं, ठीक है। 3 साल तक इनको कुछ भी याद नहीं आया कि इनको भर्ती देनी है या नहीं देनी है। जो भी आपके पेपर हुए हैं रद्द हो रहे हैं, 2 साल हो गए बच्चों को ज्वाइन किए हुए, उनकी दोबारा से डीवी हो रही है, तो वो क्या करेंगे। तो इनकी नियत में साफ साफ खोट है, इनकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। यदि इनको एग्जाम लेना होता तो सभी एग्जाम्स ले रहे हैं, ये एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम हो रहे हैं तो रिजल्ट बच्चे वेट करते रहते हैं, आपकी तारीख पर तारीख मिलती रहती है। तो यदि इनकी नियत होगी एग्जाम लेने की तो ये जरूर लेंगे, और नियत इनकी तब तक नहीं बनेगी तब तक हम लोग नहीं जागेंगे, ठीक है। और मैं ये बार बार कहते आ रहा हूं। और दूसरी बार तो हम बात करने वाले हैं एनटीए को लेकर। जैसा कि ये कह रहे हैं कि जो आपका सेट का एग्जाम है एनटीए लेगी। अब एनटीए ने ना तो अभी तक कोई अपना नोटिफिकेशन निकाला है कि हम जो उनका एग्जाम कैलेंडर आता है उनमें इन्होंने डाला कि हम सेट का एग्जाम लेंगे। अब वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे और भी एग्जाम है जो हमको लेने हैं, सेट का एग्जाम अभी हम अगस्त तक नहीं लेने वाले, उन्होंने साफ साफ कह दिया। और ये कहते आ रहे हैं कि हमारा एनटीए के साथ समझौता हो गया है। अगर एनटीए के साथ इनका समझौता हुआ होता तो वो अपना कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन डालते, कैलेंडर में डालते कि हमें भी सेट का एग्जाम लेना है, ठीक है। तो साफ साफ यहां पर दिख रहा है कि इनकी कोई भी बात नहीं हो रही है, ये गुमराह कर रहे हैं। ना इनको कोई पेपर लेना है, इनकी कोई नियत नहीं है, और ना ही इनकी एनटीए से लेकर कोई बात हुई है। जहां तक आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एनटीए को और भी एग्जाम्स लेने हैं, वो तारीख पे तारीख दे रही है आपकी। अगर वो लेती सेट का एग्जाम तो जरूर डालती। अब बात करते हैं तो एग्जाम होगा तो होगा कब। ये कह रहे हैं कि एनटीए एग्जाम लेगी, एनटीए कह रही हमारे पास टाइम नहीं है। तो जब तक आप नहीं जागेंगे ये इस साल को ऐसे ही निकाल देंगे, मैं बार बार कहते आ रहा हूं आप लोगों को। तो जब तक आप अपने सेल्फिश नेचर को छोड़कर एक एक बच्चा अपने लिए नहीं बोलेगा, ये कुछ नहीं करने वाले हैं, इसी तरह से बच्चे को गोली देते रहेंगे, मैं हर बार बोलता आ रहा हूं, ठीक है। हालांकि आपको ये बात गलत लगेगी लेकिन फैक्ट है, हरियाणा एसएससी की नीयत में कहीं ना कहीं खोट दिख रहा है, इनकी मिली भगत है। तो यही आप लोगों को बात बतानी थी। अभी भी जाग जाइए, कब तक पढ़ते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मत पढ़िए, पढ़िए और साथ के साथ लड़ाई भी अपनी लड़िए, ठीक है, ताकि ये एग्जाम ले सके। यदि एग्जाम हो भी गया तो आपको पता होगा कि पिछली सभी भर्तियों का क्या हाल हो रहा है अभी तक, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जागिए और अपने टीचर्स से बात कीजिए, और टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, तो इसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलिए ताकि बच्चों का कुछ ना कुछ हो सके सुधार। धन्यवाद आज के वीडियो में।